हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही हेल्पफुल सिलाई के टिप्स बता रही हूँ। स्पेशली अगर आप बिगनर्स हैं तो वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैंने ये पट्टी ली हुई है। सबसे पहले हम एक पट्टी की कटिंग करते हैं। इस पट्टी को मैं आपको गले पर लगाना बताऊँगी। तो इस पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब करीब 3 इंच रखी हुई है और लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लंबाई मैंने 16 इंच रखी हुई है। जितनी आपको अपनी पट्टी की लंबाई रखनी है उससे आपको इसकी लंबाई डबल लेनी है, क्योंकि हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके लगाना है। और इसके बाद हम इसको इस तरह से देखिए बीच में से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस करते हैं, और दोनों साइड से भी इस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। तो हमारी ये पट्टी कुछ इस तरह से हो जाएगी ऐसे। इसके बाद हम इस पट्टी को बीच में से फोल्ड करते हैं, यानी इसके बीच में एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और जहाँ पर हमारे निशान है वहाँ से हम इसको एक बार और फोल्ड करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। हम दो सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई हमें बिल्कुल सीधी लगानी है, और दो सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी ये सिलाई थोड़ी पक्की हो जाए। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हैं। देखिए हमारी पट्टी यहाँ से इस तरह से हो जाएगी। फिर जैसे आपको नेक पर ये पट्टी लगानी है तो नेक के बीच में आप इस तरह से निशान लगाएं। सपोज करिए आपका नेक यहाँ पर कटिंग हो रही है, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता रही हूँ, तो उसके बीच में निशान लगाएं और इस तरह से उस निशान के बीच में ये पट्टी इस तरह से आनी चाहिए। आप इसको रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा दें। सिंपली आपको इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लगी है। अब मैं एक दूसरे तरह की पट्टी आपको नेक पर लगाना बता रही हूँ। सेम तरीके से हम एक पट्टी और तैयार करते हैं। उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं, और इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं। बीच में से फोल्ड करने के बाद हम बीच में से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम अपने नेक के बीच में इस तरह से निशान लगा लेते हैं और एक बिल्कुल सीधा निशान ऐसे लगाते हैं। और जो हमने पट्टी तैयार की है इस तरह से या तो आप यहाँ पर रख लें या इस तरह से रख लें, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी है। तो हम अपनी पट्टी को इस तरह से रखते हैं। हमारी पट्टी बीच में बिल्कुल इस तरह से नेक के बीच में आनी चाहिए। देखिए ये हमारी पट्टी का बीच का हिस्सा है और ये नेक का, इस तरह से रखनी है। और ये पट्टी की खुली साइड है, इधर है। और जो हम दूसरी पट्टी रखेंगे उसकी खुली साइड इधर होनी चाहिए, इस साइड ऐसे। इसी के ऊपर हम इसको रख लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। हम इसके ऊपर दो सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद हम बीच में से इसकी कटिंग करेंगे। और एक कट हम देखिए इस तरह से यहाँ पर यहाँ तक लगाएंगे और एक कट यहाँ तक लगाएंगे। देखिए अब हम यहाँ से अपने नेक को इस तरह से इस पट्टी के बीच में इस तरह से रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर निशान लगा सकते हैं ताकि हमारा कपड़ा बराबर सिलाई में दबे। यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा डबल कर लेंगे। देखिए अब हम दूसरी वाली पट्टी को इसके बीच में इस तरह से दबाएंगे और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारी ये पट्टी इस तरह से आ जाएगी ऐसे। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बंद कर सकते हैं, जैसे यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे
यहाँ पर लगाएंगे, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। देखिए मैंने इसमें निशान लगा लिया बिल्कुल सीधा, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसका थोड़ा सा हिस्सा हम बंद कर लेंगे। देखिए ये पट्टी भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी है। अब एक दूसरी तरह की पट्टी मैं आपको नेक पर लगानी बता रही हूँ। हम एक पट्टी लेते हैं, जितनी चौड़ाई की आपको पट्टी रखनी है उतनी चौड़ाई की आप पट्टी ले, यानी कि उसके डबल लेके इस तरह से बीच में से फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस कर ले। देखिए मैंने इसको बीच में से फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस की हुई है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं। देखिए मैंने इसके बीच में कट लगाया हुआ है, और हम अपनी कुर्ती को उल्टा रखते हैं, यानी उल्टी तरफ से हम ये पट्टी लगाएंगे। इस तरह से नेक से थोड़ा ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। देखिए जहाँ तक हमारा ये कट है वहाँ तक सिलने के बाद हम अपनी मशीन को उठाते हैं, और देखिए इस तरह से करीब 2.25 इंच के आसपास हम अपनी पट्टी को इस तरह से ऐसे करके नीचे छोड़ देंगे। इस तरह से छोड़ने के बाद फिर हम वापस यहीं पर इस सिलाई को लाते हैं। और मशीन उठाएंगे, और फिर थोड़ा सा इस तरह से हम मशीन को ऐसे घुमा के दूसरी साइड भी इस पट्टी को हम सील देंगे। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी नीचे छोड़ी हुई है इसको हम ऐसे इस तरह से आपस में दोनों सिरे मिलाएंगे इस तरह से, देखिए, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, और वो सिलाई हम इसी सिलाई में मिला देंगे। चाहे तो आप यहाँ से सिलाई लगानी शुरू कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। थोड़ा सा हम इसको डबल कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है हम इसको इस तरह से, ये देखिए ये हमारी सिलाई है, हम इसको पट्टी को सीधी साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं, और इसको यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे यहाँ तक सिलाई तक ऐसे फोल्ड हो जाएगी, और बीच में हमें निशान लगा के रखना है इसी तरह से। और जहाँ से देखिए हमारी ये पट्टी इस तरह से फोल्ड है, इनको हम इस तरह से मिला के देख लेंगे, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए इस तरह से, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर थोड़े बहुत आगे पीछे हैं तो आप इसको ठीक कर लें, और फिर इस तरह से देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले एक एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए पट्टी के बीच में मैंने सिलाई लगा ली है, और अब हम इसके बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी भी लग जाती है, और आप इस तरह से इसमें कर सकते हैं। पट्टी लेंगे हम, उसको डबल करेंगे इस तरह से, और उसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद आप इसमें हुक वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप के मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।